दोस्तों, जब से नासा का जन्म हुआ तब से इसका सिर्फ एक ही नारा रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। मतलब कि जो भी तकनीक ये निकालेगा वो सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए ही इस्तेमाल होगा, और नासा ने कई बार ये करके भी दिखाया है। इस वीडियो में मैं आपको नासा के द्वारा इन्वेंट की गई कुछ ऐसे ही चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 5, जॉयस्टिक्स। क्या आप जानते हैं कि वीडियो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होने वाले जॉयस्टिक को नासा ने ही बनाया है? दरअसल बात यह है कि नासा के अपोलो मिशन के दौरान पहली बार अपने लूनर रोवर को कंट्रोल करने के लिए नासा ने जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया था। वैसे आज के दौर में हमें जॉयस्टिक कार, हवाई जहाज, वीडियो गेम, कंट्रोल पैड, इन सब चीजों में दिखाई पड़ता है। वैसे जिस जॉयस्टिक को नासा ने इस्तेमाल किया था वो देखने में टी शेप का था। नंबर 4, सैटेलाइट टेलीविजन। आप लोगों ने कभी शायद ही सोचा होगा कि जिस डिश टीवी या टाटा स्काई के जरिए आप बड़े ही आराम से घर में बैठकर टीवी देखते हैं, दरअसल उस तकनीक को नासा ने ही विकसित किया है। 1962 में लॉन्च किया गया नासा का पहला सैटेलाइट टेलस्टर 1 दुनिया भर में सैटेलाइट टीवी को रिले करने की क्षमता रखता था। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हेलमेट को आप रोजाना पहनकर किसी दोपहिया वाहन को चलाते हो उसे नासा ने ही आविष्कार किया था? दरअसल बात यह है कि अपने अपोलो लॉन्चिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने एक खास गद्दे से बना हुआ हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और आज ये आम जिंदगी में काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है और इसके कारण लाखों की जिंदगी भी सुरक्षित हुई है। नंबर 2, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज के कंप्यूटर और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले कई चिप्स या माइक्रोप्रोसेसर, इनका आविष्कार नासा के द्वारा ही किया गया है। अगर हम आज की बात करें तो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर और लैपटॉप के विकास के क्षेत्र में नासा का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इसके कंप्यूटर से ही प्रेरित होकर आज के कई एडवांस्ड स्मार्ट डिवाइस को बनाया जा रहा है। नंबर 1, वाटर फिल्टर्स। साल 1963 से जब नासा अपने अपोलो प्रोग्राम को शुरू किया तब पूरी दुनिया इसके इस प्रोग्राम को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये वही दौर था जब मानव सभ्यता ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। खैर, इस समय लोगों के पास पानी को साफ करने के लिए बहुत ही प्राइमरी चीजें मौजूद थी, जिससे आज की तरह साफ पानी नहीं मिल सकता था। यही वजह थी कि नासा ने चारकोल पर आधारित वाटर फिल्टर को बनाना शुरू कर दिया। ऑक्सीडेशन प्रोसेस पर आधारित ये वाटर फिल्टर आज भी मॉडर्न वाटर फिल्टर में इस्तेमाल होते हैं और लगातार हमें साफ और शुद्ध पानी देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।